हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माय चैनल एन जी मेडिकल्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा तो अस्थमा क्या है वो हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट ब्रीदिंग होती है इसमें या ड्रॉन ब्रीदिंग होती है सांस लेने में दिक्कत होती है ठीक है तो क्यों हो रहा है ये अस्थमा कैसे हो रहा है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो सबसे पहले किसी भी एलर्जेंट की वजह से हो सकता है मुझे डस्ट से एलर्जी हो हो सकता है अ, किसी को डॉग्स से एलर्जी हो किसी को एनिमल्स अदर एनिमल्स से एलर्जी हो किसी को पॉलेंस या फ्लावर्स या क्लाइमेट या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एलर्जी हो अगर वो पर्सन उस एलर्जेंट से या उस चीज़ से एक्सपोज करता है ठीक है तो वो एलर्जेंट ब्रीदिंग के थ्रू आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि लंग्स में चली जाएगी जब वो चीज़ आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लंग्स के अंदर चली जाएगी तो यहाँ पे आपकी बॉडी भाई जब आप इस चीज़ से सेंसिटिव हो या इस डस्ट uh, पार्टिकल से सेंसिटिव हो तो आपके अंदर क्या होगा इरिटेशन आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने लगेगी उस इरिटेशन और और एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए आपकी बॉडी क्या करेगी इनिशियल रिस्पॉन्स यानी एक्टिवेट करेगी टी हेल्पर सेल्स को ठीक है तो प्रॉब्लम आराइज हुई आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ, मतलब इरिटेशन हुई उसको कम करने के लिए टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हुए अब टी हेल्पर सेल्स जब आएंगे देखेंगे कि भाई ये तो कोई इन्फेक्शन तो है नहीं ये तो एक आ, मतलब एलर्जिक या एलर्जेंट है तो वो क्या करेंगे वो दो सेल्स को एक्टिवेट करेंगे एक आपका है बी सेल्स और दूसरा है आपका मास्ट सेल्स बी सेल्स जो हैं वो देखते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन है किस तरह की प्रॉब्लम है उसी इन्फेक्शन के रिलेटेड वो प्रोड्यूस uh, करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ठीक है तो यहाँ पे बी सेल्स ने देखा कि भाई एलर्जिक रिएक्शन है तो उन्होंने आईजीई को एक्टिवेट uh, किया ठीक है इधर मास्ट सेल्स भी एक्टिवेट हो गए मास्ट का सेल का काम क्या है एलर्जिक रिस्पॉन्स देना या इम्यून केमिकल्स को रिलीज़ करना ठीक है, ओके तो जब आईजीई एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे आईजीई आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे आईजीई पूरे में फैल जाएंगे और फैलने के बाद ये क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो आईजीई फैलने के बाद क्या करेंगे डस्ट पार्टिकल्स या एलर्जेंट जिस भी चीज से एलर्जी हुई है उन सबको अटैच कर लेंगे ठीक है अपने ऊपर अटैच कर लेंगे ताकि वो उन्हें किल कर पाए ओके अटैच करने के बाद मैस्ट सेल के पास जाएंगे और मैस्ट सेल से एक तरह का बॉन्ड बना लेंगे ओके okay? अब मैस्ट सेल जब देखेगा कि आई के पास कोई एलर्जेंट है तो मैस्ट सेल उस एलर्जेंट को किल करने के लिए इम्यून केमिकल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा यहाँ पे आप देख सकते हो मैस्ट सेल ने क्या किया प्रोड्यूस इम्यून केमिकल्स जैसे साइटोकाइंस या हिस्टामिन्स ऐसे बहुत सारे केमिकल्स वो प्रोड्यूस करता है अब ये साइटोकाइंस और हिस्टामिन्स जाएंगे कहाँ ये सीधे सीधे अप्लाई हो जाएंगे आपके एलर्जेंट के ऊपर ठीक है ये कहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे आपके एलर्जेंट के ऊपर जब ये आपके एलर्जेंट के ऊपर अप्लाई होंगे तो ये उनको किल कर देंगे ठीक है ये सारी चीज़ होती रहेगी साथ ही साथ एक स्पेशल सेल्स एक्टिवेट होंगे जिन्हें हम लोग बोलेंगे मेमोरी सेल्स अब मेमोरी सेल्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी चीज़ को रिमाइंड कराने का या किसी चीज़ की मेमोरी को स्टोर करने का काम कर रहे होंगे तो ये क्या मेमोरी स्टोर करेंगे ये स्टोर करेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी हुई है तो दोबारा से अगर ये एलर्जी होगी तो ये पर्सन को प्रॉब्लम होगी ठीक है तो ये मेमोरी सेल्स ये सारी चीज़ें नोट करके रख लेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है ठीक है अब नेक्स्ट टाइम फिर वही पर्सन उस एलर्जेंट से एक्सपोज हुआ फॉर एग्जाम्पल मुझे डस्ट से एलर्जी है मैं फिर से डस्ट पार्टिकल्स में चली गई ठीक है ये डस्ट में चली गई तो मुझे फिर से एलर्जिक इस तरह का इरिटेशन होगी लंग्स के अंदर तो मेमोरी सेल्स की हेल्प से जो आपका आईजीई है वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इन्हीं मेमोरी सेल्स की हेल्प से आई बहुत फास्ट प्रोड्यूस होगा डेट इज़ नोन एज हाइपर एक्टिवेटेशन ठीक है इसके अलावा आपके मैस्ट सेल भी बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाएंगे जो पिछली बार वो दस मिनट में एक्टिवेट हो रहे थे वो इस बार दो ही मिनट में तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएंगे और सिर्फ जल्दी ही एक्टिवेट नहीं होंगे नंबर्स में भी वो इंक्रीज़ हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वो इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज़ होंगे आई ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज़ होंगे मैस्ट सेल तो ये आई जी सेल से कनेक्ट करके ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामिन और साइटोकाइंस जो कि हमारा इम्यून केमिकल था उसको रिलीज करना स्टार्ट करेंगे जितने ज़्यादा मैस्ट सेल होंगे उतने ही ज़्यादा इम्यून केमिकल्स रिलीज होंगे ठीक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्यून केमिकल्स रिलीज होगा अब ये इम्यून केमिकल्स इसको तो मारेंगे ही मारेंगे लेकिन ये आसपास के हेल्दी टिश्यूज़ को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे तो ये कहाँ के हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज करेंगे आपके ब्रोंकाय की हेल्दी टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा सेलुलर डेथ भाई सिंपल सी चीज़ है हेल्दी टिश्यूज भी यहाँ पे ब्रोंकाइज कहाँ पे आपके ब्रोंकाय या आपके ब्रोंकाइज हैं ठीक है ठीके? अभी हेल्दी टिश्यूज भी डैमेज होने लगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलेगा इनके सेल्स की डेथ हो जाएगी अब जब सेल्स की डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा भाई इन सेल्स की डेथ हो गई तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमारे कुछ स्पेशल सेल्स जिनको हम लोग गॉब्लेट सेल्स बोलते हैं जिनको हम लोग म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल भी बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहाँ पे देख लो ये गॉब्लेट सेल्स है ठीक है ये आपके ब्रोंगाइस के अंदर एक्टिवेट हो गए अब सिंपल सी चीज़ है कि ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे क्या करेंगे म्यूकस प्रोड्यूस करना इस तरह से स्टार्ट कर देंगे म्यूकस प्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है ये हमारे भले के लिए म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं इन म्यूकस प्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है कि जितना म्यूकस प्रोड्यूस होगा उतना ही कफिंग के थ्रू ये म्यूकस आपके माउथ से बाहर आएगा और अकेला नहीं आएगा यहाँ के डेड सेल्स को और वेस्ट मटेरियल को ले करके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आउटर रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर आ जाएगा ठीक है तो जब हम लोग खांसते हैं और खांसने के टाइम पे जो हमारा कफ निकलता है ठीक है जो कफ निकलता है वो कफ अकेला नहीं निकलता वो जितना गाढ़ा निकलेगा जितना थिक निकलेगा उतना ही वो अंदर की वेस्ट मटेरियल को ले करके बाहर निकलेगा और आपने देखा होगा कि कफ कई तरह का होता है एक हल्का पतला कफ और एक बहुत ज्यादा गाढ़ा थिक कफ तो जितना भी थिक कफ होगा वो क्या करेगा वो उतना ही वेस्ट मटेरियल को कैरी करके रखेगा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है बहुत ज्यादा सेलुलर डेथ होने की वजह से बहुत ज्यादा सेल्स डेथ होने की वजह से जो यहाँ का म्यूकस था वो बहुत ज्यादा थिक हो गया ठीक है थिक होने की वजह से ये म्यूकस आपके रेस्परेटरी सिस्टम से बाहर ही नहीं आ पाया और बाहर न आने की वजह से ये म्यूकस वहीं पे फंस गया और फंसने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ आपके ब्रोंकाइस के अंदर ब्लॉकेज हुआ जब ब्लॉकेज हो जाएगा ब्रोंकाइस के अंदर तो बाहर की जो एयर है ठीक है वो बाहर की एयर अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि इस एरिया में क्या हुआ है ब्लॉकेज हो गया है तो ठीक से एयर आपके, आपके एल्वोलाइज तक नहीं पहुंच पाएगी और एल्वोलाइज जो कि आपका एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस करने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड को पास की ब्लड सप्लाई से ब्रोंकाइज में भेज देती है और जो हम सांस लेते हो उसका जो ओबी ओ टू है यानी ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड सप्लाई में भेजने का काम करती है तो ये जो गैसियल एक्सचेंज का प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगा क्यों इंटरप्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ इस पाइप में ब्लॉकेज हुआ है और जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो ठीक से आपके एवरोलाइज के पास नहीं जा पा रही है अब यहाँ पे देख लो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा इसका रिजल्ट निकलेगा शॉर्ट ड्रॉन ब्रेथ यानी कि शॉर्ट और वीक ब्रेथ आप जल्दी जल्दी सांस लोगे जल्दी जल्दी ब्रीथ करोगे इसी को हम लोग बोलेंगे अस्थमा अटैक तो हम सभी जानते हैं अस्थमा में कैसा अटैक पड़ता है जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है इंसान ठीक है ठीक से वो ब्रीथ नहीं कर पाता है यही चीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा नोट्स देख लेते हैं एक बार